हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान नीर डीपीआर, आप सबने भी नाम सुना होगा। इससे रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई, जिसमें 141 यंग प्रोफेशनल की पोस्ट है। और मास्टर डिग्री पीजी डिप्लोमा अगर है तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, सैलरी फिक्स सैलरी है 35,000 रुपीज पर मंथ। और बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो पहले वो लिस्ट भी देखेंगे। बाकी क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज क्राइटेरिया, सैलरी तो आपको यहाँ थंबनेल पर ही नजर आ रही है। बाकी कैसे एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन फी है अगर तो कितनी है, और अगर नहीं है तो किन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। 6 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। अब अगर आप यहाँ पर देखना चाहें कि कौन कौन से स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में कितनी वैकेंसी है, मतलब इतना तो है कि 32 यहाँ पर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की लिस्ट दी हुई है जहाँ जहाँ वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो जैसे अंडमान एंड निकोबार में 2 वैकेंसीज हैं, तो ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज हैं कहने का मतलब है। आंध्र प्रदेश में 10 वैकेंसीज हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 वैकेंसीज हैं, आसाम में 13 वैकेंसीज हैं, बिहार में 4 वैकेंसीज हैं, छत्तीसगढ़ में 7, दादरा एंड नागर हवेली दामन दीव में 2 वैकेंसीज हैं, गोवा में 2 वैकेंसीज हैं, गुजरात में 5, हरियाणा में 0 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 4 वैकेंसी है, जम्मू एंड कश्मीर में 4 वैकेंसीज हैं। मतलब ये सारी वैकेंसीज फिल की जाएंगी अभी जो एडवर्टीजमेंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन उससे। झारखंड में 6 वैकेंसीज हैं, कर्नाटका में 3, केरला में नहीं है वैकेंसी, लद्दाख में 2, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा 13 वैकेंसीज हैं, महाराष्ट्र में 4 वैकेंसीज हैं, मणिपुर में 4, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1 वैकेंसी। इसके बाद ओडिशा, नागालैंड में 1 वैकेंसी, ओडिशा में 11 वैकेंसीज है, पुडुचेरी में नहीं है वैकेंसी, राजस्थान में 4 वैकेंसी, सिक्किम में 2, तमिलनाडु 2, तेलंगाना में 8 वैकेंसीज है, त्रिपुरा में 9 वैकेंसीज है, उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में और वेस्ट बंगाल में 3, उत्तराखंड में 8 वैकेंसी। टोटल 141 वैकेंसीज हैं जो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हुए अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। तो आपके आसपास भी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। इसमें एप्लीकेशन फ़ी है और क्या एज क्राइटेरिया, वो चेक कर लेते हैं। तो जैसे आपको समझ आया कि पोस्ट का नाम मैंने पहले बताया थंबनेल पर, नेम ऑफ द पोजीशन यंग फेलो है, जिसमें टोटल 141 वैकेंसीज हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व कैटेगरी मीन्स ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए 58, एससी कैंडिडेट्स के लिए 21, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 10 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 38, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 14 वैकेंसीज हैं। फिलहाल जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, यंग फेलो 141 वैकेंसीज में, मास्टर डिग्री या फिर पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री, 2 ईयर या फिर 2 ईयर पीजी डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, सोशल साइंस से लेकिन होना चाहिए। तो कहने का मतलब है साइंस सब्जेक्ट वाले नहीं कर सकते और कॉमर्स वाले नहीं कर सकते, बाकी सोशल साइंस है, लैंग्वेजेस है, जो भी है सोशल साइंस के अंतर्गत, आर्ट्स सोशल साइंस के अंतर्गत जो भी आता है सब एप्लीकेशन कर सकते हैं। पीजी होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया, 60% मार्क्स जो है सेकेंडरी में 10th क्लास में होना चाहिए एंड या अबव, 50% मार्क्स हायर सेकेंडरी 12th में होना चाहिए, 50% मिनिमम, और 50% ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए, और 50% मार्क्स मिनिमम पीजी लेवल पर होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। तो यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट और कॉमर्स सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके लिए भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। साइंस सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए तो ऑलरेडी आई हुई है, कहीं से मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, परमानेंट वैकेंसीज भी आई हुई है। एसेंशियल क्राइटेरिया में आपको हिंदी इंग्लिश जो है, सॉरी इंग्लिश जो है आपको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग नॉर्मल आना चाहिए, वो तो सभी को आता है, समझ लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, बोल लेना चाहिए, थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, इतना नॉर्मल सभी को इंग्लिश आता है। हिंदी भी वैसे ही स्पीक करना और रीड करना आना चाहिए, एमएस ऑफिस थोड़ा आना चाहिए। बाकी डिजायरेबल वाली जो चीज़ें हैं वो मैंडेटरी नहीं, एसेंशियल नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जॉब करना रहेगा, तो जैसे एनजीओ वगैरह का रहता है वो वैसा ही काम रहता है यहाँ पर। टू प्रोवाइड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू जीपीज अंडर द क्लस्टर, तो सपोर्ट देना, कोऑर्डिनेट विद ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, तो कोऑर्डिनेट करना मतलब समन्वय बिठाना, सपोर्ट करना, ये सब चीज़ें रहती हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 35 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट 1 अप्रैल 2023 को बेस लेके कैलकुलेट करना, 35 साल या उससे कम उम्र के लोग, फिक्स सैलरी दी जाएगी 35,000 पर मंथ, प्लस जहां पर ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अलग अलग इससे,
तो ट्रैवलिंग का काम भी यहाँ पर रहेगा। तो जो मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कंफर्टेबल हैं कि ट्रैवलिंग अगर करना पड़े तो ट्रैवलिंग रहेगा इस जॉब में, तो ट्रैवलिंग के लिए कंफर्टेबल कैंडिडेट ही एप्लीकेशन करें, प्लस कॉन्ट्रैक्ट का है। तो ट्रैवलिंग की कॉस्ट और जो उसके टूर की मतलब जो भी रहेगा वो क्लस्टर के बाहर वो पेमेंट की जाएगी 35,000 के बाद, टूर जो भी मिलेगा बाहर का उसके लिए पेमेंट की जाएगी। नो एप्लीकेशन फी, फी की बात करते हैं। SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए नो फी है, देर इज नो फी फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स। और बाकी जो 300 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी जनरल कैंडिडेट्स, OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये। तो जिनके लिए फ्री है वो जरूर अप्लाई कर दें, बाकी चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की ऑफिशियल वेबसाइट है nirdpr.org.in। नॉट सिक्योर दिखा रहा है बट मैंने विकीपीडिया से लिंक लिया, आप भी विकीपीडिया से ले सकते हैं लिंक। इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखें आप, आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड में। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक कर देते हैं तो रिक्रूटमेंट पेज पे कई सारे अलग अलग है। इसमें सबसे नीचे आपको देखना है, सबसे नीचे आपको दिखेगा नेम ऑफ द पोस्ट यंग फेलो, क्लोजिंग डेट 8 मई 2023। तो पहले ही एडवर्टीजमेंट आई है जिसकी लास्ट डेट पहले ओवर हो गई थी, बट अभी फिर से थोड़े दिन बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे आपको पहले सबसे ऊपर अगर एडवर्टीजमेंट पूरा पढ़ना चाहते हैं आराम से, टर्म्स कंडीशन, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की जॉब है वगैरह, तो ये आप डाउनलोड कर लें, पढ़ लें, सिर्फ 6 पेजेस की है। रजिस्टर एंड अप्लाई, इसमें अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे तो पहले भी एक या दो कैंडिडेट का मेरा यंग प्रोफेशनल में मेरे यूट्यूब चैनल से हो चुका है, तो उन्होंने जैसा फीडबैक दिया था कि रिटन टेस्ट लिया था उनको, और उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू हुआ। तो रिटन टेस्ट में नॉर्मल जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के नॉर्मल जैसे रहेगा क्वेश्चंस, जीके वगैरह आप अपना जैसे प्रिपेयर करते हैं अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इंग्लिश थोड़ी, वोकेबलरी थोड़ी, हिंदी थोड़ा। तो सब्सक्राइबर ने इतना ही लिखा था कि एक एग्जाम हुआ था, रिटन टेस्ट हुआ था और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह हुआ था। सैलरी के निगोशिएशन कुछ है नहीं क्योंकि वो फिक्स है। तो यहाँ से रजिस्टर एंड अप्लाई का एक लिंक है, तो उसको क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या है इसमें। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने आराम से। पढ़ने के बाद ज्यादा नहीं है, 12 पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ने के बाद फिर कंटिन्यू करना है। पोस्ट अप्लाइंग फॉर यंग फेलो, इसमें ऑलरेडी दे दिया है नेम इन फुल एज पर मैट्रिक। तो 10th की सर्टिफिकेट निकालनी है आपको, पासिंग सर्टिफिकेट, उसमें जो नाम जैसा लिखा है वैसा ही आपको डालना है 10th वाली सर्टिफिकेट के हिसाब से, और उसके बाद बाकी चीजें कंटिन्यू कर देना है आपको। ऐसे करके रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके फिर पासवर्ड अपना याद रखेंगे क्योंकि बाद में फिर यूज करना होता है। फिर रजिस्टर हो गया, उसके बाद बाकी की प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRDPR की जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो है NIRDPR.org.in। ये विकिपीडिया से मैंने लिया, आप विकिपीडिया से ले लें डायरेक्ट, ऑथेंटिक रहता है, रिलायबल रहता है। अदरवाइज मेरे से यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी। इसमें आपको नीचे थोड़ा आना, स्क्रॉल डाउन करना है, लेफ्ट हैंड साइड में रिक्रूटमेंट न्यू ब्लिंक हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो जो सबसे लास्ट वाला यंग फेलो जिसमें लिखा है 8 मई लास्ट डेट, उससे रजिस्टर करना, उससे पूरी जो एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी। उसके पहले एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है, 6 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट नंबर कितना है वो भी देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर जब आप पढ़ रहे होंगे तो इसमें देखे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर 13/2023 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ये हैदराबाद, हैदराबाद लिखा है बट ऑल ओवर इंडिया पे मैंने आपको पहले दिखा, ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज हैं। पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, मैंने भी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ कौन से स्टेट कौन से यूनियन टेरिटरी में कितनी वैकेंसी है।